बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान पंगे। तो व्यूअर्स, 17 जुलाई 2022 को पंजाब के 20 हलकों में, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाब होने वाले और लाहौर के 4 हलके भी उसमें शामिल हैं, आज हम जरा एक अनोखा सा टॉपिक लेकर आए हैं। और वो क्या है? वो ये है कि लाहौर में एक ऐसा हलका, इन ज़िमनी इंतखाब जहाँ पे हो रहे हैं 4 हलकों में, एक ऐसा हलका भी है जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज, जिसके बारे में कहा जाता है कि लाहौर जो है उसका बेस कैंप है, उसका गढ़ है, उसका हब है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज आज तक कोई भी ज़िमनी इंतखाब नहीं जीती। जी हाँ, गुज़िश्ता 20 साल का रिकॉर्ड तो यही कहता है। और कमाल ये है कि जनरल इलेक्शन वो हारी नहीं और ज़िमनी इंतखाब वो जीती नहीं। और ये हल्का कौन सा है? ये हल्का वो है जहाँ पे मौजूदा इस हल्के में गढ़ी शाहू, बस्ती सैदन शाह, अपर माल का इलाका, शाहजमाल, शादमान, धर्मपुरा, ये इलाके शामिल हैं। और इस हल्के में जिसको पिछले 20 साल में 2002 से लेकर 2018 तक, यानी 18 के इलेक्शन होने तक, ये हल्का था PP 147 और अब इसको बना दिया गया PP 158। इस हल्के की तारीख है और कमाल तारीख ये है कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज से जब ये सीट खाली हुई है, हमेशा राइवल पार्टी ने सीट उनसे छीन ली है। और कमाल ये कि इस बार ये सीट मुस्लिम लीग नवाज ने खाली नहीं की, इस बार ये सीट खाली की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो एक बात ये भी हो सकती है कि जब भी जो पार्टी सीट खाली करती है वो बाय इलेक्शन में इसको नहीं जीत पाती, ये है इस हल्के की खास बात। 2002 का इलेक्शन हुआ, इस हल्के में कामयाब हुए सरदार अयाज सादिक। उस वक्त हुआ करता था हल्का PP 147। सरदार अयाज सादिक ने 2 सीटें जीती थी, NA 122 और PP 147। NA 122 उन्होंने रिटेन की रखी और PP 147 उन्होंने खाली कर दी। और जब इन सीट छोड़ी तो यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ ने एक न्यू कमर थे उस वक्त अब्दुल अलीम खान, जो कि पंजाब में बाद में सीनियर वजीर बने PTI के इस दौर में, और अब वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े हैं, वो यहाँ से उनको फील्ड किया गया, उनको टिकट दिया गया मुस्लिम लीग काफ का, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी। तो वो बहरहाल उनको इसका एडवांटेज था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे ज़ईन कादरी उस दौर में, और मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से आए थे अमीरुल अजीम। मुकाबला हुआ और मुकाबले में अब्दुल अलीम खान साहब ने यह सीट जीत ली। ये 2003 की बात है। विवर 2008 के इंतखाबात है। 2008 के इंतखाबात में मियां मोहसिन लतीफ, जिनका ताल्लुक बराह रास्त शरीफ फैमिली से है और वो मोहतरमा कुलसूम नवाज के रिश्तेदार भी समझे जाते थे, करीबी हलकों में उनका ताल्लुक था, वो यहाँ से फील्ड किया गया मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के तौर पर। मुस्लिम लीग काफ अब्दुल अलीम खान को लेकर आई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे खूब काम भी कराया था, उनका नाम था। बहरहाल बहुत वन साइड मुकाबला हुआ और बहुत बड़े मार्जिन से मोहसिन लतीफ साहब ये सीट जीत गए उस वक्त। फिर क्या हुआ उसके बाद 2015 में इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान तरीके साहब गई हुई थी, यानी 122 का मामला लेकर, तो हुआ यह कि ये सीट खाली हो गई। मोहसिन लतीफ साहब का भी एक मामला था, तो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के ऑर्डर्स पे ये सीट खाली हो गई, NA 122 खाली हुई, जहां से यहां से देखा जो सिटिंग स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और PP 147 जहां से मोहसिन लतीफ साहब को रिजाइन करके इलेक्शन लड़ना पड़ा। NA 122 में तो गुमसान का रन हुआ और अयाज सादिक साहब बड़े टफ मुकाबले के बाद ये इलेक्शन जीत गए अब्दुल अलीम खान साहब से। लेकिन सूबाई सीट पे एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2013 में मुस्लिम लतीफ साहब जनरल इलेक्शन में सीट जीत चुके थे और 2015 में उनको सीट खाली करनी पड़ी, और यहां से कौन जीते? यहां से जीते शुएब सिद्दीकी साहब। और कमाल है कि शुएब सिद्दीकी साहब इससे पहले भी जब MPA बने थे तो वो एक बाय इलेक्शन से ही सामने आए थे, जब 2006 में एक बाय इलेक्शन हुआ था। तो व्यूअर्स, ये है इस हल्के की तारीख। उसके बाद अब यहाँ पे 2018 में जीते अलीम खान साहब। अब्दुल अलीम खान साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा, वो बड़ा कद काट रखते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब के वो खासे करीब थे, उनको इमरान खान साहब की ATM होने का ताना भी दिया गया, उन्होंने पार्टी को बड़ा सपोर्ट भी किया और इस हल्के में भी खासा उन्होंने काम कराया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2022 में जब इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात खराब हुए, जंगीर तरीन खान साहब के ताल्लुकात खराब हुए, तो ये एक बड़ा ग्रुप वहां से अलहदा हो गया और अलीम खान साहब ने नून लीग की हिमायत का ऐलान किया। हमजा शहबाज शरीफ को उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर का वोट दिया चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, और फिर उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन लेना पसंद की। डिस्क्वालीफाई होकर उन्होंने इलेक्शन यहां से नहीं लड़ा, और यहां से मुस्लिम लीग नवाज अब दोबारा आ रही है राणा एहसन शराफत साहब, जो कि उनके 2018 के टिकट होल्डर थे, उनकी शक्ल में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसको टिकट दिया है? यहां से मियां अकरम उस्मान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नाम है, और मियां महमूद रशीद साहब जो कि पार्लियामेंट लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनके करीबी अजीज भी हैं और साबिक MNA 2 मरतबा रह चुके हैं लाहौर से, मियां उस्मान साहब उनके ये साहबजादे हैं, तो वो यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के में बहरहाल बड़ा कांटे का मुकाबला मतवक्को है। मरियम नवाज साहबा ने यहाँ पर जलसा किया है, लेकिन इमरान खान साहब भी जवाब में जलसा कर गए, तो PTI का वर्कर खासा चार्ज भी है। PTI को इतनी ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, सिवाय इसके कि उनको रिगिंग का मुकाबला करना है, उनका वोटर तो बहरहाल पोलिंग स्टेशन करवाने को तैयार है, क्योंकि इलेक्शन कुछ ऐसा है कि जोश वरोश बढ़ गया है। नून लीग को चैलेंजेस ये हैं कि आपके सामने गवर्नेंस के इशू है, महंगाई के इशू है, लोड शेडिंग का इशू है, जिससे नून लीग का वोटर खासा मायूस है। तो नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज है वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाना। फिर स्प्लिट ऑफ वोट है, वोटों की तकसीम है, तरीके लबैक ने भी यहां से उम्मीदवार दिया हुआ है, और एक
बहुत बड़ा वोट तो नहीं था अवामी नेशनल पार्टी का, लेकिन उनका उम्मीदवार भी यहाँ पे तरीके साफ ज्वाइन कर गया। तो एक कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक फतह तो उन्होंने हासिल की है, लेकिन मुकाबला बहरहाल अभी होना है और देखना है कि यहाँ से कौन जीता है। बहरहाल जो पार्टी जनरल इलेक्शन में सीट जीती है वो बाय इलेक्शन में हार जाती है, पिछले 20 साल तो यही कहते हैं, और नून लीग यहाँ से सीट नहीं जीती। देखते हैं अब यहाँ से कौन जीतता है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड यू आर फ्री टू पोस्ट योर कमेंट। थैंक यू।